गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आपको फटाक से बॉक्स ऑफिस अपडेट देनी है यार बिना टाइम खराब करे, बिकॉज आज सैटरडे हो गया, सुबह से कोई अपडेट आई नहीं, तो मुझे लगा एक कंक्लूड अपडेट दे दूं आपको। पहली बात तो यार लियो डिसअपॉइंटेड, यार डिसअपॉइंटिंग कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया। गाइज लियो नहीं संभल पाई, कल सिंगल डिजिट आई थी 7.65, आज कुछ ग्रोथ तो हुई है, मतलब 11 करोड़ सैटरडे यार ऑल इंडिया खत्म हो गई यार लियो। अब आई डोंट थिंक कि यहां से कुछ ऐसा मेजर जंप आएगा, मतलब आज 11 लास्ट, कल संडे माइट बी 13 या 14 आ जाएगा, बट डजंट मेक एनी डिफरेंस यार। 282 करोड़ पे लियो जा रही है, आई थिंक इसके अब सपने जेलर तक भी पहुंचने वाले, फॉरगेट अबाउट जवान और वो सब चीजें, जेलर तक भी ये मूवी नहीं पहुंच पाएगी। अब यहां से 282 करोड़ का टोटल धंधा हो चुका है, ऑल इंडिया नेट की बात करूं तो अब ये जाके कितना, मतलब 350 करोड़ पहुंच जाए तो आई थिंक मेकर्स बहुत ज्यादा खुश होंगे यार। ये मूवी का ना थोड़ा वो जो एलसीयू वो सब चलता रहा ना, कंपैरिजन, कनेक्शन, बैक स्टोरी, ये वो, इतनी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई ना, मूवी फेल फ्लैट भाई, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग। अब ये एक्चुअली बात सलार के मेकर्स को भी थोड़ा सा देखनी पड़ेगी भाई, कि उनके साथ भी सेम केस है, KGF ये वो यार होता, पता क्या एक्सपेक्टेशन आप अनरियलिस्टिक सेट कर दो ना, तो पता नहीं ऑडियंस को ऐसा लगता है अब यार पता नहीं ऐसा होगा क्या थिएटर में। वो वैसे भी सलार आ रही है डंकी, इट्स अ डंकी वर्सेस सलार क्लैश, बिगेस्ट क्लैश ऑफ दी क्या बोलूं, मतलब सेंचुरी है, मुझे तो सेंचुरी का बिगेस्ट क्लैश लगता है, बिकॉज दोनों बहुत बड़ी मूवी है। बट सलार के मेकर्स को भी भाई साहब सतर्क रहना होगा। देखो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अगर कुछ भी हल्का फुल्का लग रहा है, अगर ईगो साइड कर सकते हो तो अभी भी भाई साहब अपनी मूवी को कर लो शिफ्ट, मतलब कोई बेनिफिट दोनों मूवीज को ही अच्छा खासा नुकसान होगा। और सलार, अगर मैं डंकी की बात करूं तो डंकी के साथ भी एक्सपेक्टेशन स्काई रॉकेट है, उसकी भी मैं नहीं कह रहा, बट सलार के साथ भी देखो लियो का जैसा हुआ है लियो के साथ, ऐसा ना हो जाए सलार के साथ तो इट्स बेटर टू कम होना। देखो लियो इंडिविजुअल डेट पे आई तो एटलीस्ट 350 करोड़ तो कर गई, हिंदी में तो खैर क्या ही करी। अब सलार का भी ये है, KGF जहां 434 करोड़ हिंदी करके गई थी, अभी एज ऑफ नाउ मुझे उसकी मार्केट 434 करोड़ वाली सलार की तो नहीं दिख रही है। इनके पिक्चर की रिपोर्ट्स बहुत तगड़ी हुई, तब भी यार आई थिंक 400-500 फिगर तो टच नहीं करोगे यार, क्योंकि डंकी भी आ रही है सामने। अब एक ही केस है, मतलब डंकी बहुत नीचे हो, 1-1.5 स्टार वाली जो सपने में ही है, मतलब 1-1.5 स्टार तो यार क्या ही बोलूं, 1-1.5 स्टार तो होगा ही नहीं, वो तो 4-4.5 में ही खेलेगी, ज्यादा ज्यादा हेटर्स भी आएंगे 3.5 ही देंगे। सलार का ये है कि अगर डंकी नीचे, सलार के बहुत तगड़े स्टार्स, तब जाके 400-500 वाली फिगर आएगी, नहीं तो ये ना 80-100 करोड़ में निपट जाओ जहां आपके सपने 400-350 करोड़ के हो। एनीवेज ये तो मेकर्स का डिसीजन है भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो विश यही रहेगी कि दोनों मूवी एक एक हफ्ते के गैप के बाद आए। लीव द स्पेस फॉर डंकी फॉर 22 दिसंबर, और एक हफ्ते बाद चाहे आ जाओ, मतलब क्या एक बारी वो आई थी ना इसकी सिम्बा आई थी जीरो के साथ आई थी रणवीर सिंह की, तो अगर जीरो ठीक है, मतलब जीरो को एक हफ्ता रन मिल गया तो भाई बंधु में काम करो। नेक्स्ट वीक सिम्बा आ गई थी भाई, सिम्बा भी बढ़िया चली, जीरो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, KGF भी आई थी उस टाइम, बट सिम्बा चल गई अगले हफ्ते, भाई रन दे के अपना छुट्टी यार, दूसरे को भी क्यों परेशान करना। तो ये तो ऐसा मेरा सोचना है, बट सलार को ये तो देखना पड़ेगा कि लियो का रिस्पॉन्स क्या रहा है, वो इतना हाइप जो था LCU का वो उतना फुलफिल नहीं हो पाया है, हालांकि थलापति विजय की इतनी फैन फॉलोइंग तगड़ी है कि फिर भी 350 करोड़ तक पहुंच गया भाई धंधा, नहीं तो आजकल ब्रूटल हो गई है पब्लिक, बहुत अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना तो फटाक से फेंक देती है। चलो खैर ये तो बात हो गई, थोड़ा कौन बेस्ट, थोड़ा उससे कम नीचे भाई तेजस की बात करूं डे टू, तो भाई कंगना रनावत यार इस लड़की का बड़ा वो है, मतलब ये क्यों पॉलिटिक्स, अपना नुकसान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी यार, कहां इतनी टॉप स्टार और आज कहां, कल 1.25 करोड़ की ओपनिंग, आज 1.5 करोड़ की आ रही है, तो खत्म है यार, मतलब पिक्चर को गिरते गिरते भी कम से कम 3-4 दिन तो लगते हैं, तो खैर अलग ही लेवल में बात चल रही है। एनीवेज गाइस आप बताओ आपको क्या लगता है, ये लियो का जो रिस्पॉन्स काइंड ऑफ यार एक्सपेक्टेशन से कम रहा है, बैड नहीं कहूंगा, और वीडियो में कहता हूं बैश मत करना मूवी को, पर एक्सपेक्टेशन से कम रहा है, तो अब डंकी वर्सेस सलार में कहीं ऐसा सलार के साथ तो नहीं हो जाएगा, डंकी के साथ भी हो सकता है बट सलार के साथ देखो कनेक्शन बार बार जो लोग कह रहे हैं KGF मैंने थिएटर रिस्पॉन्स दिया, तो होपफुली आपके पास 1-2 दिन में और भी वीडियो आएंगे इंटरेस्टिंग, बट ऐसा ना हो समझ गया ना, चलो टेक केयर, बाय बाय।